ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जो टाइमलाइन है वो क्या रही और कैसे फिर इस पर अलग मत भी निकल कर आया, कैसे इसको चैलेंज किया गया, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन 8 जनवरी 2019 में लोकसभा में ये बिल पास हुआ था। अब आप देखिए, आप यहां पर देखिए, पक्ष में 323 वोट पड़े और विपक्ष में 3 वोट पड़े। अब 10 जनवरी 2019 में राज्यसभा से जो बिल है वो पास हुआ और यहां पर भी 165 जो वोट है वो पक्ष में पड़े थे और 7 इसके विपक्ष में पड़े थे। यानी कि आप देखिए किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा से ये जो बिल है वो पास हुआ। अब 31 जनवरी 2019 की बात करें, सरकार की तरफ से इस आरक्षण को लेकर जो सामान्य वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो पास हुआ, इसको लेकर बकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है। फरवरी 2020 में एमपी हाईकोर्ट में, मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट है, यहां पर ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ जो पहली याचिका है वो लगाई गई थी। ये टाइमलाइन अब यहां से आप समझिए कि इसके बाद कैसे इसका विरोध भी शुरू हुआ था। 27 सितंबर 2022 को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रखा और इसके बाद आज आखिरकार फैसले का इंतजार था कि आज फैसला क्या आता है। अब जरा आप समझिए कि किसको कितना जो आरक्षण है वो मिला हुआ है, क्योंकि लगातार जो जिक्र है 50% की जो कैपिंग है, जो सीलिंग है, उसका जिक्र किया जा रहा है। अब ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक आधार पर जो कमजोर वर्ग है, सामान्य वर्ग है, उसको 10% जो आरक्षण है उसको सही बता दिया गया है, जो फैसला आया है। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 27% के आरक्षण पहले से ही जो प्रावधान है वो सामने रखा गया है, पहले से ही लागू है। और इसके अलावा एससी एसटी के लिए आप देखिए, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। तो किसको कितना आरक्षण ये भी हमने आपको बता दिया।